बलौदाबाजार जिले में 10 जून को उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में भयंकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर अब प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले में कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में अराजकता फैला कर रखा था, अब भी कांग्रेस नेता उस मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं। कांग्रेस नेताओं ने पर्दे के सामने और पीछे रहकर भूमिका निभाई। डिप्टी सीएम ने आगे ये भी कहा कि जिस मामले में जांच की जा रही है और सख्त कार्रवाई होगी, सरकारी संपत्ति की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। देखिए, 5 साल में जब उनकी सरकार थी तब भी प्रदेश में अराजकता अव्यवस्था उन्होंने फैला कर रखी थी। सत्ता से हटने के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आया है और जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की भूमिका दिखी है, फोटोग्राफ में दिखे हैं, कार्यक्रम में दिखे हैं, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अंजाम देने में कोई पर्दे के पीछे, कोई पर्दे के बाहर रहकर भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से घटना की विस्तृत जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्यवाही होगी। निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार कर रही है कि जो नुकसान हुआ है तो जो दोषी लोग हैं उनसे उस नुकसान की भरपाई कराई जाए। बलौदाबाजार की घटना निश्चित रूप से बहुत गंभीर घटना है। सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कल दिन भर विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां हुई है और निश्चित रूप से सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार पूरी गंभीरता से कठोर कार्यवाही कर